आज की रेसिपी है ऑल इन वन रेसिपी। चीज भी मिलेगी, मैक्रोनी भी मिलेगी, वेवी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत तेज़ ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जो कि है मैक्रोनी चीज़ बॉल्स, पोटैटो स्टफ मैक्रोनी चीज़ बॉल्स, ठीक है, इसको आप ये कह सकते हैं। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। ज़रूर आपने ट्राई करनी है, बच्चों की फेवरेट, यकीन माने आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। जी यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं, ठीक है जी। ये मैंने चार आलू थे उनको अच्छे से बॉयल करके मैश कर लिया है। उसके साथ ही हमने यहाँ पे पुदीना ले लिया है। आलूओं को बहुत ज़्यादा नरम आपने बॉयल करना है, ठीक है जी। उसके बाद जी ये मैं 1/3 जो है इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1/2 टीस्पून जो है मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। स्पाइसेस इसमें बहुत नॉर्मल जाएंगी, बहुत लाइट सी स्पाइसेस जाएंगी। और 1/3 इसमें है धड़ा मिर्च जाएगी, यानी कि चिली फ्लेक्स। और इसके बाद जी हम इसमें थोड़ा सा जो है चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। और इसके बाद जी नॉर्मल सॉल्ट हम 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, या अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टीस्पून, ठीक है, टेबलस्पून नहीं लिया है, टीस्पून ही लिया है, और वो हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, मिक्सचर को बहुत अच्छे से आपने दबा दबा के इसको मिक्स करना है, ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, ठीक है जी। ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको एक साइड पर रख देते हैं और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी हमने बॉयल की हुई मैक्रोनी ले ली है, ठीक है जी। इसका मैंने अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है, पानी बिल्कुल इसका खुश कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। बस ये सिंपल से स्पाइसेस हैं जो कि हमने मैक्रोनी में ऐड करनी है। ये स्पाइसेस हमने इसलिए ऐड करनी है ताकि इसका बिल्कुल ही फीका सा टेस्ट ना आए और थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाए, ठीक है जी। और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पाइसेस को हाथ की मदद से, ठीक है जी। ये देखिए स्पाइसेस मिक्स हो चुकी हैं। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद आपने इनको पकड़ के यूँ हाथ से दुबा देना है, ठीक है जी, मसल देना है, ताकि ये अच्छे से जो आपस में है वो मिक्स हो जाए और इसकी फीलिंग फिर ईजी हो जाएगी। तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है, यानी कि वाइट फ्लोर, ठीक है जी। इसके साथ हमने बीट किए हुए 2 अदद एग ले लिए हैं, इससे जी हम कोटिंग करेंगे। और ये जी साथ मैंने वेवी ले लिया है, ठीक है जी। आप लेज ले सकते हैं, वेवी ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं लेना है तो आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इससे वेवी से जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है और बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ जी अब हमने मिक्सचर वापस से ले लिया है, और जी अब हम इसकी एक लेयर बना रहे हैं अच्छे से, ठीक है जी। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे, ठीक है जी। तो ये जी हमने जो मैक्रोनीज ली हैं उनको हमने थोड़ा सा मिक्सचर जो उनका बनाया है उसको हमने इसके अंदर रख देना है, और अच्छे से जो है इसकी फिलिंग कर देनी है, ठीक है जी। आपने ज़्यादा मैक्रोनीज जो है वो ऐड नहीं करनी है, बस मुनासिब से करनी है, जिससे अच्छी तरह से ये बंद हो जाए और बॉल बन जाए, ठीक है जी। और यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ली है, वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहते तो ना करें, ठीक है जी। लेकिन चीज़ से बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है, और लुक वाइज भी बहुत मज़ेदार, बहुत यमी लगती है, ठीक है जी। तो ये अब हम बॉल अच्छे से बना रहे हैं। आपने जो इसको ज़्यादा दुबाना नहीं है, आपने ये नहीं करना है कि जो पोटैटो की लेयर है वो टूट जाए, ठीक है। मुनासिब से आपने दुबाना है, और अच्छे से आपने इसकी जो बॉल शेप है वो बना लेनी है। आप चाहें तो कटलेस की शेप भी बना सकते हैं, लेकिन जो बॉल की शेप है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और जैसा कि इसका नाम भी है चीज़ मैक्रोनी बॉल्स, तो बहुत ही मज़े की लगती है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बॉल्स ही बनाएँ, ठीक है, तो बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे इजीली और मज़े से खा लेंगे। और जब तक कि अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप ऐसा करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो उसको शेयर कर दें, और इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है घर पे। तो जी अब हमने ये बॉल्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं, तमाम बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। अब जी हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है इसकी कोटिंग का स्टेप, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम बॉल लेंगे, ठीक है जी, और इसको अच्छे से जो है मैदे के साथ कोट कर लेना है। सिंपल सी एक लेयर है जो कि हमने इसके ऊपर लगा लेनी है, ठीक है जी। तो तमाम बॉल्स के साथ इसी तरह से हमने कर लेना है, ठीक। तो
ये जी तमाम बॉल्स जो हैं वो मैदे से अच्छी तरह मैंने कोट कर ली हैं। अब जी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने बॉल को उठाना है और इसको एग में अच्छे से डिप कर देना है। ठीक है जी, कोई भी किनारा जो है वो छूटे ना, अच्छे से आपने डिप करना है। और इसके बाद जी हमने इसको जो कि मैंने वेवी लिए हैं, आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं या फिर आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, वर्मीसेली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वेवी का टेस्ट सबसे ऊपर और सबसे ज़बरदस्त आता है। ठीक है जी, जैसे सूपर का टेस्ट ज़बरदस्त होता है ना, वैसे ही वेवी का टेस्ट इस बॉल्स में सबसे बेस्ट आता है। तो ये जी मैंने इनको अच्छे से कोट कर लिया है, वेवी भी ऊपर कोट कर लिया अच्छे से। ठीक है जी, तो अब टाइम है कि इनको ज़बरदस्त सा फ्राई किया जाए। बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी और मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो चलते हैं जी इनकी फ्राइंग की तरफ। तो जी अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है और ये जी मैंने उन ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया है, ज़्यादा गर्म नहीं किया है, और साथ ही बॉल को मैंने जो है ऑयल में रख दिया है। ठीक है जी, इसी तरह से बाकी बॉल्स को भी रख लेते हैं। और ये जी ऑयल थोड़ा थोड़ा और गर्म होना स्टार्ट हो गया और ये फ्राई होना शुरू हो गया है। इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती, आपने मीडियम टू लो फ्लेम में ही इनको फ्राई करना है। ठीक है जी, और ये मैंने इनकी साइड चेंज कर दिया, सिर्फ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड आपने एक साइड से फ्राई करना है। और ये जी हमारी ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनी चीज़ बॉल्स तैयार हो गई हैं। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बॉल्स बनी बनी हैं, चीज़ कितनी ज़बरदस्त किस्म की लेयर्स दे रही है। और ये देखिए जी माशाल्लाह, जो कि जो चीज़ लवर्स है ना उनके लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। और अगर तो आपके बच्चे मैक्रोनी और चीज़ दोनों लवर हैं और वेवी स्पेशली उनके वेवी लवर हैं तो उनके लिए तो सुपर है ये रेसिपी। तो आपने जी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।